अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबुल लाहौरी। अनबॉक्सिंग वाले हालात तो नहीं है इस टाइम पे, बट आज जिस फ़ोन की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ना, ये कोई आम फ़ोन नहीं है, इसको हल्के में मत लेना। स्मूथ विद एक्सट्रीम 60 FPS के ऊपर ये पबजी चलाता है और ऑलमोस्ट 11,000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन की। डायमेंसिटी 900 एक 5G पावरफुल हार्डवेयर है इस फ़ोन में और 120 हर्ट्ज़ का एक स्मूथ डिस्प्ले है। और भी जिस तरह मैं इस फ़ोन के फीचर आगे आपको बताऊँगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये है भाई मॉन्स्टर हथौड़ा फोन, यानी बेसिकली इट्स अ रगेड फोन, डूजी V30। तो लेट्स अनबॉक्स दिस मॉन्स्टर। सबसे ऊपर बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास मिल रहा है फोन, उसके बाद इसका एक वारंटी कार्ड है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर हैं, एक क्विक स्टार्ट गाइड निकल रही है, उसके बाद एक मोटी तगड़ी C2C डेटा केबल है, बिकॉज ये फ़ोन 66 वाट की डार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कमाल हो गया वैसे। और इसी के साथ बॉक्स भी खाली हो गया। डिज़ाइन और जो बिल्ड क्वालिटी है इस फोन की, वो बहुत डिसेंट और एक क्लीन सा लुक है। जो कैमरा बम की सराउंडिंग में आपको स्क्रूज भी नजर आ रहे हैं, एक अलग ही वाइब्स होती है इन फोन की। फिजिकली देखते हो तो राइट साइड के ऊपर इसका जो पावर बटन है, इसी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर को इम्बेड किया गया है और 2-in-1 काम करता है। और नीचे वाली साइड पे इसकी टाइप सी पोर्ट है, इन्होंने वो डब्बे के अंदर वो बेलचा होता है ना, वो नहीं दिया हुआ इस बार, तो नाखून से ही काम चलाना पड़ेगा। तो नीचे टाइप सी पोर्ट है। और जो सिम ट्रे है, ये 2 SIM कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हो। और ये फ़ोन थोड़े बल्कि भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, बिकॉज ये रगेड फोन्स हैं, रफ़ एंड टफ़ यूज़ के लिए बने होते हैं और ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होते। ये एक स्पेशल यूज़र कैटेगरी को टारगेट करते हैं, जो ट्रैवलिंग ज़्यादा लेट्स पोज करते हैं, एडवेंचर लवर्स हैं, फ़ोन गिरते पड़ते रहते हैं, आर्मी पर्सन हैं, थोड़ा रफ़ यूज़ हो जाता है उनसे, तो इन फोन्स को कुछ नहीं होता। अंडर वाटर फोटोज़ ले सकते हो, बिकॉज ये IP रेटिंग के साथ आते हैं, IP68 की, IP69K की भी रेटिंग है, यानी हर तरह की डस्ट प्रूफिंग भी इनके अंदर मिलती है। और मिलिट्री स्टैंडर्ड के ऊपर बने होते हैं। जो इसका ये बैक साइड पर रबरी टाइप का मटेरियल है ना, इसको शॉक प्रूफिंग से बचाता है। और बैक साइड के ऊपर एक ना काइंड ऑफ लेदर टाइप की फिनिश दी हुई है इन्होंने। और जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, लाइक -55 की जो सर्दी है और 70 डिग्री की जो गर्मी है, ये वो इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे दूसरे एंड्रॉयड या आईफोन्स वगैरह उनके फोत होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ही जो रगेड फोन्स हैं ना, उस तरह के इन्वायरमेंट में ये सरवाइव करते हैं। हाँ, वज़न होता है इन फ़ोन का, थोड़े वज़नी होते हैं, बिकॉज देखो इस फोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है ना, वो ऑलमोस्ट 10,800 की बैटरी बन जाती है। बट इसका ये होता है कि पैंट में या ट्राउज़र पहना हुआ उसके अंदर अगर आप लगाओगे ना, तो वो नीचे को चला जाता है, तो हाँ उसके लिए ये नहीं रख सकता बंदा। लेकिन यार वाकई इस फ़ोन की एक फील है, रगेड फ़ोन जो लवर्स हैं ना, वो इस वाइब्स को ना लाइक पसंद करते हैं। और आई थिंक रफ़ एंड टफ यूजर्स के साथ साथ ना, कि पाकिस्तानी जो यूज़र है उसकी भी लाइक होनी चाहिए, ये फ़ोन पाकिस्तान में होने चाहिए। जिस बंदे को भी मिलो यार, ज़्यादातर बंदों का किसी का डिस्प्ले क्रैक है, किसी का फ़ोन बैक से क्रैक है, मतलब गिराते बहुत हैं पाकिस्तानी फ़ोन्स। तो इस तरह के जो फ़ोन्स हैं ना, वो एडवेंचर्स डबल के साथ साथ पाकिस्तान में भी लॉन्च होने चाहिए वैसे। और जहाँ तक मेरे फेवरेट पार्ट परफॉर्मेंस की बात है भाई, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट है, 6 nm के ऊपर है और एक 5G पावरफुल हार्डवेयर है। एंटूटू भी बहुत मज़े के निकालता है। और स्पेशल बात यह है कि जो गेमिंग मैं कर रहा था इसके ऊपर बैठा, यार स्मूथ विद एक्सट्रीम 60 FPS के ऊपर चलाता है। और टच रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त है, जायरो भी हार्डवेयर वाला है, फायर कनेक्टिविटी बहुत अमेजिंग लगी है। और मज़े की बात है, गेम प्ले जितना मज़े का था, बैटरी उससे भी ज़्यादा मज़े की, लाइक बैटरी ख़त्म ही नहीं होती इसकी, अप टू 11,000 mAh यार बैटरी है इसकी। और 8GB रैम की जो मल्टी टास्किंग है, वो भी अच्छी है, बिकॉज LPDDR5 रैम है इसमें। और जो स्टोरेज है 256GB, ये भी UFS 3.1 है, जिसकी स्पीड्स बहुत अच्छी होती हैं, जो ऐप्स हैं वो बहुत फास्ट ओपन होती हैं, और फ़ोन जो है वो बड़ा फास्ट फील होता है। और 120 हर्ट्ज़ का एक स्मूथ डिस्प्ले है, लाइक 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। ये इन्होंने एक पैकेज बनाया है, एक जिसको कहते हैं ना बॉम्बी बना दिया है। और 120 हर्ट्ज़ यूज़ करते हुए स्वाइपिंग टच रिस्पॉन्स एकदम मक्खन चलता है। हाँ, बट रगेड फोन्स में ये होता है कि इसमें IPS डिस्प्ले है, ऊपर नीचे 1.5-2 मरले का ना इन्होंने वो चिन्ह रखी होती है, बेजल्स थोड़े से मोटे होते हैं, लेकिन ओवरऑल चलने में डिस्प्ले बहुत स्मूथ है। डिस्प्ले पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। लाइक जो रगेड फोन्स होते हैं ना, इनके बारे में कॉन्सेप्ट है, ये एक साइडों से गिरे, बैक से गिरे, कॉर्नर लगे, उसमें इसको कुछ भी नहीं होता, डिस्प्ले भी इवन डैमेज नहीं होता। बट हाँ, अगर डिस्प्ले वाली साइड हिट हो जाए, कोई नोक वाला वट्टा शट्टा आ जाए इसके नीचे, तो फिर जाहिर है ग्लास है वो तो टूटेगा ही।
मल्टीमीडिया वाली जो साइड है, लाइक आप वीडियोस वॉच करते हो तो एक अच्छी स्क्रीन है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी शार्प डिस्प्ले है, और साथ में स्टीरियो स्पीकर्स हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट भी बहुत यूनिक है, दो ऊपर हैं, दो नीचे वाली साइड पे हैं, और लाउडनेस और क्लैरिटी जो है वो एक अच्छी है मल्टीमीडिया पैकेज वाली साइड से। और इस फोन की एक और जो स्पेशल चीज़ है, इसकी बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, उसके अलावा एक 20 मेगापिक्सल का नाइट विजन वाला सेंसर है, लाइक आप फुल डार्क के अंदर वीडियोस निकाल सकते हो। अब ये यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन जो एडवेंचर लवर्स हैं, जो हंटिंग पे जाते हैं, उनके लिए बड़ी एक यूजफुल जो सेंसर है ये हो सकता है कैमरा के अंदर। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अब बेसिकली ये जो कैमरा है ये कोई मेन स्ट्रीम कैमरा फोन नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी जो फोटोग्राफी मैंने डेलाइट के अंदर सैंपल्स लिए हैं काफ़ी डिसेंट लगी है मुझे। फोटोज़ के अंदर कलर्स भी काफ़ी नेचुरल कैप्चर करता है, और इसकी जो डायनामिक रेंज है वो भी काफ़ी बेटर है, लाइट कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। तो डे लाइट के अंदर जो फोटोज़ है ना, रगिड फ़ोन की कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी डिसेंट ये फ़ोन कैप्चर कर रहा था। और जो वीडियोग्राफी है बैक साइड से, ये मैक्सिमम 4K 30 FPS तक जाती है, और हाँ यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कोई नहीं है, लेकिन एक रगिड फ़ोन की कैटेगरी के हिसाब से जितनी डिटेल्स वीडियो के अंदर होनी चाहिए वो इसके अंदर काफ़ी मिल रही थी। और फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है ये भी मतलब पासेबल जो फोटोज़ है ना, लाइक जाहिर है कैमरा फोन तो है नहीं, एक डिसेंट क्वालिटी की जो फोटोज़ है वो क्लिक कर लेता है। उसके अलावा जो इस फोन का सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड 12 के ऊपर आता है, और एक क्लीन एक्सपीरियंस है, लाइक जो इनकी स्टॉक एप्लीकेशंस होती हैं रगिड फोन्स की, जो टूल से रिलेटेड हैं या एक दो और, वो मिल जाती हैं, और ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो बग फ्री है, बेहतरीन किस्म का निकल रहा होता है। यहाँ पे बड़ी बैटरी है 10,800 mAh की, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है, लाइक आप कहीं पे निकले हुए ट्रैवलिंग पे इतनी बड़ी बैटरी से इस फ़ोन को कई दिन तक चार्ज नहीं करना पड़ता। और दूसरा, आपके पास कोई और फ़ोन पड़ा हुआ है जो आप यूज़ कर रहे हो, आपका जो प्राइमरी फ़ोन है लाइक आईफोन या एंड्रॉयड, वो फोर्थ होने वाला है, तो उसको भी ऑक्सीजन दे देगा, बिकॉज ये वाइड रिवर्स चार्जिंग जो है वो भी सपोर्ट करता है। 66 वाट की इसकी अपनी चार्जिंग है, और इन फोन्स की बड़ी बैटरी को चार्ज करना ही सबसे बड़ी हेडेक होती है, लेकिन जो 66 वाट का चार्जर इसके साथ है ना, वो इसको बहुत फास्ट चार्ज करता है। और ये कोई रियलमी की डार्ट चार्जिंग टाइप टेक्नोलॉजी है जो इसमें इन्होंने यूज़ किया है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब ये एक चलता फिरता पावर बैंक आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और इवन विद कनेक्टिविटी वाली साइड के जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, NFC तो होता ही है रगिड फोन्स के अंदर, उसके अलावा ये पहला फ्लैगशिप रगिड फोन है 2G की तरफ से जो eSIM को सपोर्ट करता है, लाइक eSIM वाले पहले कोई भी रगिड फोन नहीं था, इसके अंदर 4 eSIM आप स्टोर कर सकते हो, चलेगी एट ए टाइम एक फिजिकल के साथ एक eSIM चलेगी, बाकी स्विच कर सकते हो, लाइक आप वर्क प्लेस पे हो तो दूसरी जो सिम है उसको eSIM को एक्टिव कर सकते हो, होम पे आ गए हो तो दूसरी को कर सकते हो, ये सब फीचर इसके अंदर उन्होंने कूट कूट के भरे हैं भाई। तो ओवरऑल ये जो फ़ोन है एक वेल बैलेंस्ड मॉन्स्टर रगिड फोन इसको मैं कहूँगा, बिकॉज इसके किसी भी फीचर पे कंप्रोमाइज़ नहीं लगा, इसके डिस्प्ले, इसकी बैटरी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी डिसेंट लुक, और इसकी रगिड जो रफ एंड टफ वाली फील है ना, लाइक अमेजिंग है। जिस कैटेगरी के यूज़र को ये टारगेट करता है ना, उनके लिए ये एक बहुत बेस्ट चॉइस है। अगर आप मंगवाना चाहते हो, बाहर से कोई रिलेटिव आ रहा है तो वहाँ से मतलब मंगवा सकते हो, $300 के आसपास इस फोन की प्राइस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ है, फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हो तो 2G का ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ से देख सकते हो। तो मज़ा आया भाई, eSIM भी सारी सपोर्ट है, मेरी गेमिंग वाली टेंशन भी खत्म होगी, बैटरी खत्म हो जाती थी मेरे फ़ोन की, इसको तो बैटरा लगा हुआ है, तो कोई और फ़ोन था नहीं, तो आप दोस्तों से भी तो मिलना है ना, वेले तो नहीं बैठना ना, तो मैंने सोचा आपको मिलूं और ये एक यूनिक चीज़ आई हुई है वो आपको दिखाऊं। तो कौन सा फीचर आपको इस फोन का अच्छा लगा, ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान में ये फ़ोन आएगा, बिकॉज सारी खाल तो फिर PTA ने उतार लेनी है ना, जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। तो वीडियो के कमेंट्स में अपना फीडबैक मुझे देते रहा करें, दिल को अच्छा लगता है, थोड़ा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।